दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 8 तारीख को, उसको लेकर मतदान होना है और ऐसे में मुद्दे क्या है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एपी ओझा जी आपके पास आना चाहूंगा। एपी ओझा जी, आप कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको मिस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जरूरत है उसी पर चर्चा करने की दिल्ली के अंदर? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, दिल्ली का चुनाव तो इस समय हो रहा है। चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो जनता की जो समस्याएं, वो उसमें सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में, ये मतलब आज की नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है, चुनाव देश में हो चुके हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर कोई सरकार इस देश की इन 5 चीजों को दुरुस्त कर दे तो शायद बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगर इनको दुरुस्त कर दिया जाए तो विकास भी अपने आप होगा, क्योंकि आज अगर विकास, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और उसको कोई भी काम करने के लिए, सड़क पे चलने के लिए शुद्ध हवा और पानी की व्यवस्था नहीं है तो कोई क्या काम करेगा। सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं और ये मूलभूत सुविधाएं आज तक इस देश में 47 से लेके अब तक कोई भी सरकार मुहैया नहीं करा पाई है। इसके पक्ष बहुत से हैं और विपक्ष में भी इसके बहुत ज्यादा वो हैं। तर्क ये दिए जाते हैं कि हमने ये कर दिया। पहली चीज तो यह कि विकास को कभी भी विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। अगर सड़क बनी है तो लोग जो उस पर चलते हैं उनको पता हो जाता है कि सड़क बनी है, उसके लिए होर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर नहीं बनी है तो होर्डिंग देख के आदमी सिर्फ गाली बकता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अब अगर जितने भी चुनाव देखिए आप, तो उसमें चुनाव सिर्फ विज्ञापन पे लड़े जाते हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड इस देश में चला है वो चुनाव को विज्ञापन के आधार पर लड़ने का चला। सही बात है। तो इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत यह है, स्पेशली दिल्ली के चुनाव में, कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है, पानी है, बिजली है। ये मुफ्त में बिजली देने का की प्रथा समाप्त होने चाहिए। आप वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको सक्षम बनाइए कि वो अपने बिजली का बिल दे सके, इसके बजाय कि हम 200 यूनिट फ्री में बिजली दे रहे हैं। कोई 200 यूनिट दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम 1000 यूनिट देंगे, कोई कह रहा है हम पानी का पैसा नहीं लेंगे। आखिर आएगा कहां से पैसा अगर आप नहीं लेंगे? दूसरी चीज, आप फंड से तो नहीं, आप जो घोषणा पत्र देते हैं, आप जो भी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, आप उसमें यह बताइए कि इसमें कितना धन लगेगा और उस धन की वसूली कहां से होगी। जिस दिन आप ये बता देंगे कि इस धन की वसूली कहां से होगी तो आपका वोट कट जाएगा, क्योंकि वो मेरे टैक्स के पैसे से आप उनको फ्री में देंगे। आप ये लालच है, इस पे बैन होना चाहिए। आप लालच से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं जो अनइथिकल है। सही बात है संतोष जी। फ्री में अगर चीजें सही हो जाती तो इस देश में पिछले एक दशक में 4.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी के तौर पर किसानों को बांटे गए, लेकिन किसान हर साल दसियों हजार किसान जो है आत्महत्या कर लेता है इस देश के अंदर, अगर फ्री की चीजों की बांटने की बात करें। लेकिन क्योंकि दिल्ली का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली में मुद्दा सबसे बड़ा मुझे जो लगता है वो प्रदूषण का है। कुछ दिन पहले ही हम लोग तमाम तरह की डिबेट्स कर रहे थे कि दिल्ली में ये नहीं वो नहीं, सारा प्रदूषण वहीं पर आ रहा है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आने लगी उस वक्त, लेकिन उसका जिक्र इन चुनाव में किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं। बड़ी दुखद स्थिति है ये। तो हिमांशु जी, ओझा साहब ने कुछ बातें कही जिससे मैं बहुत सहमत हूँ उनकी बातों से, और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ में बेरोजगारी, बेरोजगारी पे भी हमारी केंद्र सरकार एक मिनट पे नहीं बोलती है कि हमारा बेरोजगार नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर मारा मारा घूम रहा है, बीटेक के स्टूडेंट को कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही है, इस विषय पे भी कोई बातचीत नहीं होती है। तो सरकार जी वो कहते हैं कि वो लोग इतने काबिल है ही नहीं। नहीं नहीं, काबिल तो है, लेकिन अब काबिल का मौका तुम लोग कहीं एग्जाम होता तो पता चले काबिल है कि नहीं है। यहाँ तो चुनाव हो जाता, चुनाव लड़के लोग काबिल हो जाते हैं, लेकिन उनको भी तो कोई मौका मिले चुनाव लड़ने का तो वो काबिल हो जाएं। दूसरा यह है, मैंने जो पुरी साहब की कुछ बातें मैंने सुनी, इन्होंने नागरिकता पे बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नागरिकता पे ये काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 30 करोड़ हिंदुस्तान में भूमिहीन है लोग, जिनके पास जमीन का कोई कागज नहीं, वो भूमिहीन है तो उनके पास जमीन का कागज हो नहीं सकता है, और 1.7 करोड़ घर बेघर लोग हैं, इनके पास घर नहीं, इसलिए इनके घर के पास कागज नहीं हो सकता है। 15 करोड़ लोग जो है वो घुमंतू टाइप के लोग हैं, जिनके पास घर नहीं, वो कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, इस जिले में उस जिले में भागते घूमते रहते हैं। और 8.43 करोड़ लोग आदिवासी हैं, इनके पास कोई कागज नहीं है। तो सरकार जो है इस विषय पे कोई काम नहीं करती, उनसे पेपर भरवा के एनआरसी का और CEA का कागज तो भरवाने
प्रयास करती है, लेकिन ये बताने का प्रयास नहीं करती कि जिन लोगों के पास ये कागज नहीं वो कहां से लाएंगे। 1970 में हमारी 66% आबादी जो है वो अशिक्षित थी, उनके पास कोई मार्कशीट नहीं है। आज भी 24% लोग अशिक्षित हैं, उनके पास कोई मार्कशीट नहीं है। आगजनी में जिसके कागज जल गए हैं, बाढ़ में जिसके कागज बह गए हैं, भूकंप में जिसके घर में कागज दब गए हैं, नष्ट हो गए, सड़ गए हैं, इन लोगों के साथ में ये बीजेपी सरकार क्या करेगी? इनको पाकिस्तान भेजेगी, बांग्लादेश भेजेगी? इस विषय में मेरी बात, कागज मांगे किसी से कागज नहीं मांगे, कागज मांगे जा रहे हैं, कागज बिल्कुल मांगे जाएंगे, उसमें ये कालम है कि ये कागज आपको लगाना है। नहीं, सीए में कहां का, एनआरसी में है, सीए में तो उसमें इन कागजों की जरूरत पड़ेगी और वो दोनों एक्ट बने हुए हैं, उसमें कोई डिलीट नहीं। ठीक है, आज हम सीए को लेकर चर्चा नहीं कर रहे। अमित पुरी जी, ठीक है, आप उसका जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा कहना है कि नागरिकों पर ये सरकार काम नहीं करती है, दिल्ली हो चाहे यूपी हो, चाहे जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप यूपी में ले लीजिए, यूपी में हमारा किसान जो है ना, उसकी खाद आपने कम कर दिया और बोरी महंगी कर दिया, किसान को बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जो बीज मिलता है उसमें धान की बाली नहीं आती है, इस तरीके का बीज हमारे यहां मिल रहा है, नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली इतनी महंगी है, डीजल इतना महंगा है, किसान कहां जाए? उसकी फसल को पूरे गाय और सांड सब खाए ले रहे हैं। सरकार कोई भी योजना ऐसी नहीं चलाती है जिससे नौजवान का और किसान का कोई भी बेनिफिट मिले या किसान जिंदा कैसे रहे, ये तक मतलब सरकार की सोच नहीं है। ठीक है, अमित पुरी जी, बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं और वो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रदूषण को लेकर, तमाम तरह की दिल्ली में जो है बातें कर रहे थे, उस बीच हमको सड़क पर भी दिखे वो, और इस चीज को लेकर वो पूछ रहे थे कि यहाँ के हालात कब सुधरेंगे, लेकिन अब वो चर्चा नहीं, जब चुनाव हो रहा है तो उस चीज की चर्चा क्यों नहीं? नहीं नहीं चर्चा उसकी भी है, अब एक एक करके मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ। हम लोग शायद बैठे थे आज दिल्ली के चुनाव की चर्चा करने के लिए, प्रकरांतर से यूपी का चुनाव आ गया। जब आया था 2017 में तो हमें स्मरण है, क्योंकि हम लोग भी तब सक्रिय राजनीति में ही थे, कहीं निष्क्रिय तो थे नहीं, कि जिन्होंने बैंकों में लाइन लगाई है, नोटबंदी कराई है, यूपी की जनता उनको जवाब देगी, ईवीएम की लाइन में धक्के मार के निकाल देगी, ऐसा धक्का लगा कि 300 पार लग गया, मालूम नहीं कब का उन काल बजाने के लिए खड़ा हो जाएगा। बातों को एक मिनट, ईवीएम की भाई चर्चा चलेगी, बात निकली है, अगर तंज कसे गए हैं भी आएंगे, तैयार रहिए। अब आ रहा हूं। फिर सीए के कागजों की चर्चा चलने लगी। मैं उस पे नहीं जाता कि सीए में कागज मांगे गए नहीं मांगे गए, क्या है, चलिए वो जाने दीजिए। ये जो सीए के विरोध में गए थे और हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी ओबी वैन तो नहीं फूकी गई, बाकी कई एक की ओबी वैन भी फूकी गई, सही बात है, तो जब गिरफ्तारियां हुई तो उसके बाद जमानत के लिए कागज मिल गए थे, तमाम घुमंतू लोगों को मिल गए, भूमिहीनों को मिल गए, निराश्रितों को मिल गए, बिना मकान वालों को मिल गए, सबके कागज मिल गए जमानत के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी हूं, जनगणना का आज से नहीं, हम तो सरकार में अब आए, देश आजादी के पहले से ही नियम चल रहा था, बाद में अमेंडमेंट हुआ। आखिरी रात जो होती है वो जनगणना की इसी बात के लिए होती है कि जो ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पे हैं, बस अड्डों पे हैं, रेलवे स्टेशनों पे हैं, बकायदा प्रोसीजर है, कोडिफाइड प्रोसीजर है एमएचए का, जनगणना का, वो उस उन सब की जनगणना की जाती है, जिन आदिवासियों के पास नहीं था उनकी भी जनगणना होती है। तो ये भ्रम फैलाने की राजनीति देश में न फैलाई जाए। पर्यावरण के मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने ठीक बात कही, पर्यावरण दिल्ली के अंदर आज से नहीं है, यहाँ एपी ओझा साहब बैठे हैं, इनको स्मरण होगा जस्टिस कुलदीप सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ग्रीन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना और दिल्ली रिच की जमीन के ऊपर अवैध कब्जों को हटाने में पायनियरिंग जजमेंट एमसी मेहता की कई रिट पिटीशंस में दिए। मैं इसलिए जानता हूं कि उस दौर में यहां के लखनऊ के एक एनवायरमेंटल इश्यूज में पीआईएल को लेकर मैं भी उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और कई बार इंटरेक्शन होते थे। तो ये सही है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस गड़बड़ाते हैं
उन वो प्रायोरिटी कोर इश्यूज होने चाहिए। और आप देखेंगे पिछले 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री इंटरनेशनल फोरम पे जब भी गए होंगे, अगर टेररिज्म के बाद दूसरा कोई डायलॉग के लिए इंडिया की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया तो वो ग्लोबल वार्मिंग ही सेट किया गया। नहीं वो ठीक है, इंडिया का परस्यूट है लगातार, ठीक है, मैं उस चीज को मान रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे मुद्दे हैं जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ किसी को अगर जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले लिया तो हिंदी फिल्मों में वो गाना भले ही आया होगा कि मैंने क्या किया तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेते के साथ ही यहाँ नहीं, ठीक है, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पर्यावरण को लेकर जब बैठक होती है तो उसमें जो है आपके सांसद गायब रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट यह है कि दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रदूषण है, तो फिर अपनी ही चीजों को छुपाना और दूसरी की चीजों को उभारना, चीजों को नाम छुपा रहे हैं। मैंने कहा कि डेवलपमेंट के साथ इकोलॉजिकल बैलेंसेस का डिग्रेडेशन होना, उसका इक्विलिब्रियम सेट ना होना, ये गंभीर सवाल है। इससे हमने अगर मैंने अगर आपने सुना हो, यहाँ बाकी के दो लोग भी बैठे हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि मैंने ये लाइन ऐसे ही बोली थी इन्वर्टेड कॉमा में, तो मैंने उसको कहीं आई वॉश नहीं किया। ये हमारे आपके सबके लिए एक गंभीर समस्या है और ये इसके और उसी समस्या पे चर्चा नहीं है। अगर आप इसको मुद्दा के लिए ऊपर चर्चा पे ला रहे हैं तो मैं आपकी इस बात को स्वागत करता हूं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है, देश की जनता के कोई विवेक को और दिल्ली कहां है, आपके नेता तरह तरह की पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं, आपके नेता पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। पाकिस्तान से हमारी ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है कि नाम लेने में परे, जो भाई नहीं हमारे देश में तो वो कहते दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर 8 तारीख को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला होगा, ये कौन सी बात थी, ये कौन सी बात थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, कौन सी रिश्तेदारी है पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, नहीं 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 नहीं, अच्छा बताइए, एकांगी मुद्दे राजनीति पे होते भी नहीं है, पर्यावरण, प्रदूषण, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, आप देखेंगे दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे का काम शुरू किया गया कि और काम किया जा रहा है कि प्रदूषण से मुक्ति मिले, जाम से मुक्ति मिले, इस दिशा में भी एनएचआई काम कर रही है और अच्छा काम किया गया है। अब बाकी तो मतदाताओं को एसेस करना है, मैं आपके यहाँ बैठ करके ये कह दू नहीं हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, दिल्ली के मतदाता के विवेक पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। अगर उसे पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या से वो पराली और तमाम तरह मुद्दों से जूझा है तो वो चुनाव में इससे भूल जाएगा, ये मैं नहीं मानता। तो आप मतदाता के विवेक पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। एपी हो जाए, जब माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा, माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा और अपने पक्ष में चीजों को करने की कोशिश होगी राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर, तो फिर ये तो होगा ही। जी, एक आपके सवाल का उत्तर एपी ओझा साहब दे, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और शायद तब उत्तर में और तीखापन भी उनके आ सकता है। जब एडल्ट फ्रेंचाइज हो रहा था, बालिक मताधिकार इस देश में हो रहा था और राजीव जी 18 साल का मताधिकार बाद में करने लाए, दोनों अवसरों पर मुझे याद है बहुत से लोगों ने कहा ये बेपढ़ी लिखी जनता है, अशिक्षित है, शिक्षा का स्तर नहीं है, डिग्री कहां जल गई बह गई वो तो जाने दीजिए, और यहां लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। लोकतंत्र चला और अच्छे से चला और हमने विश्व को दिशा देने का काम किया लोकतंत्र के अंदर। तो हम कभी भी अपने मतदाता के इस विवेक के ऊपर प्रश्नवाचक नहीं, मतदाता का विवेक हम यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों को पाकिस्तान सुन करके भूल जाएगा। हाँ, ये आप इसका मतलब आप मतदाता के विवेक पर प्रश्न नहीं, मैं मतदाता के विवेक पर इस पे आपत्ति पार्टी के किसी बात। अच्छा अच्छा, सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, मतदाता के विवेक को चुनौती नहीं दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर अच्छा, और दूसरे के मनोवृत्ति ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजिकली ज्यादा अच्छा ब्रेन में भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर जनता को ये सारी चीजें पता है तो फिर ये संसद में इतने सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहां से आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं, इसी मताधिकार से आते हैं सर। हाँ, तो इसी मताधिकार, तो पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है, लोकतंत्र का एक पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है, लोकतंत्र का पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है। मैंने कहा ना, कभी भी आप यूनिवोकल होकर के इलेक्शंस को अगर प्रिडिक्ट करेंगे और उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो यूनिवोकल नहीं होइए, एंड नंबर ऑफ डायमेंशन है चुनाव के अंदर।
कई बार क्या होता है, क्या बताते हैं, गिरफ्तार हुआ, बंद हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी खड़ी हो गई, वो सहानुभूति की लहर के बल खड़ी हो गई। इस देश में माँ के मरने पे 450 सीटें दे दी जाती है। ये देश की भाव, ये मोटिव सोसाइटी है महाराज। कभी साइकोलॉजिकल इसी को राजनीति खेलती है, इसी को राजनीति खेलती है, भावनात्मक देश है, इसी को राजनीति खेलती है, यही तो खेल है। किसको खेलती है और राजनीति को कौन खेलता है, ये तो बहुत बेहतर विषय है। क्योंकि क्योंकि वादे जिस तरह से किए जाते हैं वो कितने पूरे होते हैं, 5 साल में उनका जिक्र होता है नहीं होता है, तो ये भी तो बात होनी चाहिए ना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एपी ओझा साहब ने कहा घोषणा पत्र को मैंडेटरी कर देना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पब्लिक बजटिंग भी होनी चाहिए, सोशल अकाउंटिंग होनी चाहिए, और दोनों पार्टी इसको या तीनों पार्टी जो लड़ रही है उनको इस घोषणा पत्र के हिसाब से वैकल्पिक बजट भी बनाकर पब्लिक के सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर आप कहेंगे पब्लिक को राजस्व घाटा नहीं मालूम, उसे सकल घरेलू उत्पाद नहीं मालूम, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के तरीके बदल जाएंगे। तो ये तो नाकामियां है, ये तो नाकामियां है, ये तो नाकामियां है कि नहीं मालूम है, हम शिक्षा का वो स्तर दे नहीं पा रहे हैं, नाकामियां है ये तो। मैं नाकामी नहीं मानता, मैंने कहा यहाँ का मतदाता अगर शिक्षित नहीं भी है तो उसने लोकतंत्र को जीवित रखा, उसे मालूम है राज्य में किसकी सरकार बनानी है और केंद्र में किसकी बनानी है। यही तो बात है एपी ओझा जी, एपी ओझा जी, एपी ओझा जी, इमोशनल इमोशनल नहीं 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 तथ्यपूर्ण बात ना करके अगर इमोशनली नेता अगर ये कहने लगे और सब कुछ अपने पक्ष में कर ले तो फिर जो हम कहते हैं लोकतंत्र हमने जिंदा रखा है या फिर लोकतंत्र को हमने जो है बनाए रखा इस देश के मतदाताओं ने जिंदा रखा, हमने मतलब सबने शिक्षित मानते थे ये हमने जो है, मैंने सबने सबके लिए कहा है, मैंने अपने लिए नहीं कहा है उस चीज को। एपी ओझा जी बिल्कुल एक बात तो ये बहुत साफ हो जानी चाहिए कि बुद्धिमानी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, बुद्धिमानी बात कर रहा हूं मैं, ज्ञान जो है वो पढ़ाई से आ सकता है लेकिन विजडम हर समय इनहेरेंट होती है, इसलिए इसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन ये जैसा कि अभी पुरी जी ने कहा कि इस देश में इमोशंस का देश है, इसीलिए इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज्यादा होता है, सही बात है, और ये चुनाव में सबसे ज्यादा। और जहां तक आपने विवेक की बात की, मेरा प्रश्न चिन्ह तो मतदाता और राजनीतिक दलों दोनों के विवेक पे है, क्योंकि अगर इस देश का मतदाता इतना जागरूक होता तो वो जाति और धर्म के आधार पे वोट न देता, और इस देश के नेता किस क्षेत्र में किस जात के कितने लोग हैं उस जात के कैंडिडेट ना खड़े करते। ये कौन सा विवेक है कि हम किसी की योग्यता ना देख के सिर्फ जाति देखें, हम उसका धर्म देखें, और पार्टियां उसी जाति के आदमी को वहां खड़ी करेंगे क्योंकि वहां उस जाति का मतदाता ज्यादा है। इसलिए मैं राजनीति में राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। और ये जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, इस देश का लोकतंत्र बड़ा जरूर है लेकिन ध्वस्त लोकतंत्र है इस देश में, क्योंकि उसको आप किसी को 100 रुपए और एक कंबल पे वोट ले लेते हैं, कैसे लोकतंत्र की हम बात करते हैं। अमित पुरी जी बताइए। एक ही पंक्ति कहता हूं, इस देश की संस्कृति का एक मूल वाक्य है जब लोकतंत्र और गण को डिफाइन किया गया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अलग अलग मतों का शास्त्रार्थ होगा और उसी में से लोकतंत्र प्रतिपादित होगा। तो मेरी अपनी धारणा है, अच्छी बात है, एपी ओझा साहब की अपनी धारणा है, यह भी अच्छी बात है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, हमारे मतों में भिन्नता होगी, उनमें शास्त्रार्थ होगा, संवाद होगा, प्रतिवाद होगा, अपवाद होगा, लेकिन लोकतंत्र में मवाद नहीं होगा, यही लोकतंत्र का मूल है। अच्छा, तो ये कह देंगे कि हमको वोट दीजिए इसलिए क्योंकि हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, इसमें क्या क्या हम कहें कि नहीं शाहीन बाग और बनाएंगे, शाहीन समर्थक है इसके, शाहीन आप समर्थक है इसके, आप कहिए ना मैं समर्थक हूं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो नहीं कहा समर्थक हूं, बात हो गई, नहीं बनने देंगे देश के अंदर अगर शाहीन बाग अभी तक क्यों वहां से नहीं लोग हटाए गए हैं, अगर शाहीन बाग गलत है तो क्यों नहीं हटाए गए हैं, घंटाघर पे लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर क्यों है, लखनऊ के अंदर मैंने भारत है चीन नहीं है, यहाँ थियानमेन लखनऊ के अंदर क्यों, फिर लखनऊ के अंदर क्यों होता है, फिर संवाद होगा, प्रतिवाद होगा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मवाद नहीं बहेगा, थियानमेन स्क्वायर नहीं बनेगा ये, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लोग देखिए 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 दो चीजें हैं, अलग अलग विचारधारा, दो चीजें हैं, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, दो चीजें हैं, एक तो है कि ये इस विरोध
को लेकर कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं जो कि गलत है, हेट स्पीचेस दे रहे हैं वो भी गलत है, कल हमने इसको लेकर डिबेट किया, आप नहीं थे उस वक्त, लेकिन और लोग थे, ठीक है, हमने उस चीज को गलत कहा, मीडिया पे सवाल मत उठाइए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इतना ही गलत है, आप कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, तो फिर उस चीज को हटा दीजिए, हम उस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जो शाहीन बाग बना रहा है, उसे नहीं बनने देंगे, नहीं तो फिर आप उस चीज को हटाइए ना, आपको किसी ने रोका है क्या? फिजिकली वहां से वो फ्लैश आउट हो, ये भी एक बाई प्रोसेस ऑफ लॉ ही होगा, क्योंकि हम चीन नहीं, हम थियानमेन स्क्वायर नहीं बना देंगे, लोगों की बहुत इच्छा है कि थियानमेन स्क्वायर नहीं बना देंगे, 1200 से ज्यादा लोगों पे घंटाघर में FIR लिखी तो गई, हाँ ठीक है, लिखी गई, प्रोसेस ऑफ लॉ, FIR इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ, तो फिर नहीं, तो इसी चीज का तो फायदा है, रजिस्ट्रिंग ऑफ FIR इज ए लॉफुल प्रोसेस, अच्छा तो 1.5 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने हो गए हैं लगभग प्रदर्शन करते हुए, तो शाहीन बाग में ठीक है, दर्द ज्यादा होगा, अवसर है, आप ना देंगे तो मोदी तानाशाह है, बात रखने का अवसर नहीं देता, नहीं आप तो कह रहे हैं शाहीन बाग नहीं, आपने आपका ये कहना मतलब का राज है, अगर अगर ये कहा जाता है, नहीं अगर ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, यानी कि शाहीन बाग को आप नेगेटिव नहीं बनने देंगे, अगर अगर रोहिंग्यावाद की मानसिकता को नहीं चलने देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, तो फिर लेकिन उनके बीच जाइए ना, तो उनको बताइए जा कि वो चीज मालूम है, 500 रुपए रोज के ऊपर, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, बहुत सी रिपोर्टें हैं महाराज, एक चैनल की नहीं है, नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है, ये 500 रुपए और बिरयानी के ऊपर जो खेल चल रहा है, इसका एक्सपोजर भी जरूरी है, ये अगर नहीं हो एक्सपोजर होता तो बंद बंद तो बहुत कुछ चल रहा था, समर्थन होने दीजिए, तो कुछ लोग ये कह दे कि जो समर्थन कर रहे हैं इसका, या फिर जो समर्थन रैलियां निकाल रहे हैं उनको भी ये चीज मिल रही है, डिबेट करिए कि 500 रुपए लेकर के लोग CAA का समर्थन कर रहे हैं, आप उसके प्रवर्तक बनिए और आगे करिए डिबेट, दावत है आपको सरकार की तरफ से, आधिकारिक तौर पर आप कह सकते हैं 500 रुपया देकर CAA का समर्थन कराया जा रहा है, तो आप वो फैक्ट्स लाइए, नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर एक जियो निकालना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्डर कि वहां पर ऐसी चीजें हो रही है, इसकी जांच करी जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है, डायरेक्शन आने दीजिए, वो तो ना होने, हाँ नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चीज मैं आपको नहीं कहा परेशान, मैंने कहा परेशान ना होइए, आपने वर्ड नहीं लगाया था, मैंने प्रीफिक्स नहीं किया, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी इतनी पुख्ता बात है, इतनी पुख्ता बात है, नहीं नहीं इतनी पुख्ता बात है तो आधिकारिक तौर पर इसकी बात होनी चाहिए और हर किसी को एक्सेप्ट करना करना चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो गलत है, बिल्कुल इससे पहले इन घटनाओं के ऊपर संपत्ति से उसका रिकवरी कराने का भी प्रोविजन CRPC में था, किसी ने कराई, ठीक है चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, संतोष जी, AP जी, अमित पुरी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, तो दिल्ली के कई सारे मुद्दे हैं जो वोटर्स हैं उनको CAA को लेकर जो शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है उसको भी देखना है, लेकिन उनको अपनी डेली की चीजें भी देखनी है, वो जिस तरह से स्ट्रगल करते हैं, जहां जहां पे उनको दिक्कतें होती हैं उस चीज को भी देखना है, तो जब वोट करने वो जाएंगे तो वो बातें भी उनके दिमाग में रहेंगी, फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। बच्चन जी बोलिए। बच्चा जी, आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? हाँ की थी, तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा, ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे, हो गया, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी, हाँ जी,
बस इतना ही।